हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल चार प्योर बेसिक। आज कुछ अनोखा टॉपिक लाया हूं। अनोखा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ अलग टर्म लाया हूं आपके लिए सीखने के लिए। तो आज की जो वीडियो है थोड़ी लंबी रह सकती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो होप सो कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, आज के वीडियो के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के ऊपर है, जैसे कुछ स्कीम्स हैं इसमें, उसके ऊपर ये टॉपिक रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि आज के जो आज का दौर चल रहा है उसमें काफ़ी सारी स्कीम्स आ गई हैं मार्केट सेक्टर के अंदर, तो जिसका हम आगे जाके बेनिफिट ले सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। तो ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब PPF। सेकंड है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मतलब EPF। थर्ड है नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको हम NPS के नाम से जानते हैं। और लास्ट है हमारा फिक्स डिपॉजिट, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे PPF के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि PPF इज कॉल्ड एज अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं। ये क्या होती है? एक लॉन्ग टर्म स्कीम होती है जिसका लॉकिंग पीरियड 15 साल का रहता है। ये उन लोगों के लिए है जो कि रिटायरमेंट ले रहे हैं किसी मतलब किसी भी इंडिविजुअल, जैसे कोई इंडिविजुअल है वो सर्विस सेक्टर में है तो वो रिटायरमेंट लेता है, तो उसके लिए ये PPF फंड जो है वो वर्क करता है, या प्रोविडेंट फंड जो है उसके लिए है ये स्कीम। तो इसके आगे हमारे पास है EPF। EPF में क्या होता है? EPF कॉल्ड एज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये एम्प्लॉयज के लिए है, जो एम्प्लॉयज हैं उसके लिए ये स्कीम बनाई गई है, जिन जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उसके लिए, तो इसको EPF के नाम से जानते हैं। उसके आगे हमारे पास आता है NPS। NPS में है नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है? ऐसी स्कीम में होता है कि एक जो इंडिविजुअल होता है उसको रिटायरमेंट पेंशन मिलती है, तो इसलिए इसको नेशनल पेंशन स्कीम का नाम दिया गया है। ये कब तक होता है इसका लॉकिंग पीरियड? रिटायरमेंट तक का इसका लॉकिंग पीरियड होता है, जो कि NPS के नाम से जो स्कीम जानी जाती है। आगे है FD। FD का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक बहुत ही आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, जो क्या करते हैं अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसके ऊपर उनको फिक्स रेट पर रिटर्न मिल सके। तो ये होते हैं कुछ स्कीम्स ऑप्शन जो कि हमें हमारे पैसे को अच्छे से यूज़ करने का, या फिर आगे बेनिफिट इन फ्यूचर अगर हमें कोई बेनिफिट चाहिए तो वो हम इनके ज़रिए ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो कि आपको अच्छी लगी हो। आगे आने वाले टाइम में हम लोग फिर से कुछ नया लाएंगे। तो हमने एक टॉपिक शुरू किया था फंड और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, तो आई होप सो कि ये सब जो जितनी वीडियोस हमने अपलोड की हैं आपको समझ में आई होंगी, आपको सीखने को मिला होगा। आने वाले टाइम में हम कुछ और नई वीडियोस लाएंगे आपके लिए कुछ और नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।